दरअसल मैं आपको बताऊं, हालांकि हम एग्रीकल्चर विभाग की ओर से हैं, जैसे कि हम यूथ को जो हमारा प्रयास है इस बार यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ खींचने का, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारा यूथ है इसका फिजिकली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो हमारा यूथ है उसको नशे से दूर रखना है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो दंगल करवाया जाता है ये हमारे यूथ को एक नई मार्गदर्शन करेगा और एक एक इंस्पिरेशन देगा कि टूवर्ड्स वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि यूथ को कि हमारे एग्रीकल्चर की ओर आए, हमारे पास ढेरों स्कीमें हैं जो यूथ ओरिएंटेड हैं और इनको रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। कहूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और ये कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इस तरह का ये आयोजन करवाती है, और मैंने जो सुना है कि हर साल करवाया जाता है इस तरह का दंगल, तो ये इनको भी बहुत बहुत मुबारक है मेरी ओर से, ताकि ये हर साल ऐसे ही करते रहें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं पूरे दिन से यहाँ बैठा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम यहाँ से और भी बाकी डिस्ट्रिक्टों में जाए और ये यूथ को हम फिजिकली फिट रखें। बंदा बहादुर जी फाइनल क्वेश्चन है, जेतु मल आसमान पैलवर मथुरा, एक गुरज में एक पड़े नाम जरा सम्मानित किया गया है। आज का जेतु मल आसमान पैलवर मथुरा चल होगी होगी